हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विजार्ड पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें सोल की जो असाइनमेंट मिली हुई है वो बनाना है। तो सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि आपको A4 साइज शीट चाहिए, ठीक है। दूसरा काम का क्या करना है, इस पर ये सारी चीज़ें फर्स्ट पेज पर ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको, नेम, सोल रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर नेम, पेपर कोड और सेमेस्टर। पेपर कोड पता करने के लिए हमारे चैनल के ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है PDF में, पूरा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना कोड आसानी से लिख सकते हैं। तो गाइस, आपको A4 साइज की शीट लेनी है और फर्स्ट पेज पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना है। और ये जो सिग्नेचर है ये आपको हर पेज पे करना है। फिलहाल तो ये आप यहाँ पे सिग्नेचर डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट पेज आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आप जब सेकंड पेज स्टार्ट कीजिएगा वहाँ पर आपको लिखना है अपना क्वेश्चन जो भी दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद आंसर स्टार्ट कर देना है। एक चीज़ याद रखना है कि हर पेज पर आपको एंड में आपका सिग्नेचर होना अति आवश्यक है, सिग्नेचर और पेज नंबर कौन सा है, ठीक है गाइस। अब आते हैं हम लोग अगला कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक साइड हम लोग ब्लैंक ले और एक साइड हम लोग लाइन ले, ऐसा सोच रहे हैं कि कौन सा ले, कंफ्यूज है काफ़ी। लेकिन सबसे बढ़िया ये है, मेरा मानना है कि आपको एक साइड मतलब दोनों साइड लाइन वाला लेना चाहिए, ताकि इससे आपका पैसे का बचत भी होगा, क्योंकि हमें तो PDF बनाना है। एक साइड से PDF बना लीजिए, इधर भी लिख लीजिए और इधर भी लिख दीजिए, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 डाल दीजिए। इस तरीके से आपका पेज भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और सही से आप लिख सकेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो BA प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनको 11 जुलाई तक अपना सबमिट करना है। ऑनर्स वाले को भी 11 जुलाई, जो फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको 11 जुलाई तक अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, चाहे जो भी स्ट्रीम से हो लोग, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगला जो है वो जो सेकंड ईयर वाले हैं उनको 18 जुलाई तक अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है। तो गाइस, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको सही से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और कल के वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो मैंने एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया था, अगला वीडियो जो होगा वो अपना दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें।